सो हे गाइस, आज हम लोग आए हैं राजघाट। तो यहाँ पर हम लोग बस से आए थे राजघाट, तो हम लोग चलते हैं अभी म्यूज़ियम की तरफ। ये देखिए, यहाँ से राजघाट का रास्ता है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर उतरना पड़ता है। हम लोग पहले म्यूज़ियम जाते हैं, और ये हमारे साइड म्यूज़ियम है। यहाँ से आगे से उसका गेट है, तो हम लोग म्यूज़ियम की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको राजघाट दिखाएंगे अंदर जाकर। ये आप रोड देख सकते हैं, और यहाँ पर आना बस से काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। 20 रुपये के टिकट में आप पहुँच जाएंगे, और लेडीज़ के लिए तो खैर दिल्ली में फ्री है, महिला पास मिलता है। ये देखिए, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नेशनल गांधी म्यूज़ियम। अभी हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या टिकटिंग होता है, यहाँ पे फ्री है। यहाँ का टाइमिंग देख लीजिए आप, सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक। ये देखिए, पर आपको आते साथ पहले एंट्री करना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख के एंट्री करना पड़ता है, और यहाँ से देखिए ये एंट्री है। वहाँ पर हम लोग पहले अपना नाम एंट्री कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं। ये देखिए, हम लोग 3 लोग आए हैं, हम जिया जी और किन्सी। बताइए जिया जी, यहाँ पे क्या कोई एंट्री चार्ज है? ये फ्री है, मंगनी में है। ये देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा डिजाइनिंग है, ये काफ़ी सुंदर है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी कुछ आर्किटेक्चर बने हुए हैं, और यहाँ से एंट्री होती है। गाइज, अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं म्यूज़ियम में। ये देखिए, यहाँ पे एंट्री कुछ इस तरह का है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ का फ्लोर प्लान है। ये देखिए आप, यहाँ पर गांधी जी का सिग्नेचर, और यहाँ पर फ्री गाइड भी आप लोगों को उपलब्ध होता है, फ्री गाइड इज अवेलेबल। और संग्रहालय जाने का रास्ता उधर ऊपर से है, तो चलिए हम लोग उधर ऊपर से म्यूजियम चलते हैं, जब तक नीचे का जो भी व्यू है वो ले लेते हैं, और आपको भी दिखाते चलते हैं साथ में। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये हम अंदर आ गए, चिल्ड्रंस गैलरी है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारा फोटो है लगा हुआ। हाँ, ये डांडी मार्च का है, ये गांधी जी के जीवन के ऊपर है। यहाँ पर जो उन्होंने किया था, ये आप देख सकते हैं, उनके द्वारा यूज की गई वस्तु, रेप्लिका ऑफ गांधी जी। ये देखिए, ये है कुछ अच्छा डिजाइनिंग। ये देखिए, गांधी जी का घर, ये गांधी जी का घर का छोटा सा डिजाइन है। ये हॉस्पिटल होगा, सेक्शन से निकल के अब हम लोग डायरेक्ट म्यूजियम की तरफ चल रहे हैं, और ये आपको ऊपर चढ़कर म्यूजियम की तरफ जाने का रास्ता है। और यहाँ पे भीड़ नहीं है, लगता है ज़्यादा आदमी यहाँ आते नहीं हैं। यहाँ पर कुछ कोट्स लिखे हुए हैं, और ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता है। तो गाइस, इधर डोनेशन बॉक्स रखा है, उसके बाद इधर साइड आप देख सकते हैं, गांधी जी की वॉइस सुनने को आपको मिल सकती है डायरेक्ट फ़ोन से। आपको मैं गांधी जी की वॉइस मोबाइल में सामने से सटा कर सुनाता हूँ, बात कीजिए गांधी जी से। बाबूराव घर पे हैं? चलो देख के नंबर डाल के आकर रख दिया तो ही बात करता है।
बोल रहे हैं शायद रिकॉर्ड हो जाए। अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगा। और चलिए अब हम लोग म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। अब हम लोग म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। ये कुछ एंट्री है, यहाँ पर फोटो गैलरी है गांधी जी के जीवन के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेप्लिकाज रखी हुई है बहुत सारी, एंड बुक भी है जो गांधी जी पढ़ा करते थे। तो दिस इज फोटो गैलरी और हम लोग अब फोटो गैलरी में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी के जीवन का सारा कुछ है और ये इधर से स्टार्ट होता है उनका अर्ली फेज से। दिस इज द अर्ली फेज और अर्ली फेज से यहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरा उधर से घूमते हुए ये उनके सारे सामान जो ओरिजिनल है वहाँ से आकर वहाँ ख़त्म होता है। तो मैं आप लोगों को वो पूरा दिखाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन वो थोड़ा फास्ट कर देंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है। आप लोगों को देखना होगा तो आप लोग पॉज कर लीजिएगा, ये आप देख सकते हैं। दीर्घा में जा रहे हैं और ये उनका स्मृति दीर्घा है। ये गांधी जी के द्वारा बनाया गया झंडा है। यहाँ पर उनके द्वारा वस्तुएं हैं जो उनके द्वारा उपयोग में ला गई। ये तो खैर न्यू करेंसीज और ओल्ड करेंसीज हैं और ये उनके जीवन का अंतिम क्षण का पल है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं उनके गोली लगने के बाद की तस्वीरें हैं। और ये सारे ओरिजिनल सामान यहाँ पर उनके द्वारा लाए गए उपयोग में जो कपड़े हैं वो सब हैं। काफी सुंदर म्यूजियम है ये। ये हैट देखिए जो गांधी जी पहनते थे, ये ओरिजिनल हैट है, ये उनके द्वारा उपयोग में लाई गई हैट है। और ये उनके अंतिम क्षण की जो कुछ यादें हैं ये सारे आप देख सकते हैं। स्पाइनिंग एसेसरीज ऑफ गांधी जी। और यहाँ पर कुछ ट्रेन की रेप्लिकाज हैं और सारी उनकी अंतिम क्षण की यादें हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग ये जिस जगह पे आए हैं ये अंदर में ये लास्ट है और यहाँ पर ये गांधी जी के तीन मंदिर। और ये देखिए ये गांधी जी के हार्ट बीट हैं यहाँ पे आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर उनके द्वारा यूज में लाई गई और आप अब जो सामने देख रहे हैं ये जब उनको गोली लगी थी उस टाइम ये उन्होंने अपने हाथ जेब घड़ी है उनकी ये गोली जो उनको लगी थी और ये जो वस्त्र उन्होंने पहना था उस टाइम जिस पर खून लगा है ये आप देख सकते हैं। ये आप अंदर देख सकते हैं ये खून लगी हुई रक्ताजित धोती और शॉल जो गांधी जी पहने थे और ये उनका मैसेज माय लाइफ इज माय मैसेज। गाइज हमने यहाँ पर पूरा घूम लिया और ये घूम के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग को भी बोलेंगे कि एक बार यहाँ आकर जरूर देखें। गांधी जी के जीवन के ऊपर बहुत सारी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है जो कि असली है। और अंतिम में ये विजिटर्स बुक यहाँ पर मैंने भी लिखा है, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी विदेशी लोग यहाँ आकर लिख के जाते हैं और यहाँ पर जिया जी भी अभी लिख रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ से फिर डायरेक्ट राजघाट चलते हैं। तो ठीक है गाइज, जब हम लोग आपको राजघाट में मिलेंगे। गाइज अभी हम लोग एक और म्यूज़ियम जा रहे हैं, यह है गांधी दर्शन म्यूज़ियम जो कि
ठीक आपके रोड के अपोजिट में ही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे झंडा है, वो वाला म्यूज़ियम उधर था, ये वाला म्यूज़ियम इधर है, और राजघाट इसके उधर साइड है, तो हम लोग फिर उधर साइड भी चलेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं गांधी दर्शन म्यूज़ियम भी, यहाँ पे भी देख लेते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग इस म्यूज़ियम में घुस गए हैं, और ये ओपन रूप म्यूज़ियम ही मुझे लग रहा है, ये साइड साइड है, और वो शायद 26 जनवरी को लेकर सजाया गया होगा, क्योंकि आज हम लोग 27 जनवरी को आए हुए हैं, और ये काफ़ी मुझे ग्राउंड के जैसा लग रहा है। ये देखिए गांधी जी के ऊपर जो वहाँ पर फोटो है वो साइड साइड में लगाई गई है, ये ओपन रूप गार्डन है, यहाँ पे घूमने का है शायद, ये ओपन रूप म्यूज़ियम है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग राजघाट आ गए हैं, ये आप राजघाट का बैनर देख सकते हैं, महात्मा गांधी की समाधि, ये भी इस झंडा के नीचे है, और यहाँ से हम लोग राजघाट के अंदर एंट्री करते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा राजघाट चलते हैं। गाइस, अभी हम लोग आ गए राजघाट, और ये देखिए राजघाट के एंट्री, तो चलिए हम लोग अब राजघाट में एंट्री करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ एंट्री कर चुके हैं सिक्योरिटी चेकअप के बाद, और ये देखिए ये राजघाट अंदर जाने का रास्ता, और ये काफ़ी सुंदर सजाया हुआ है, और इतने ठंडा में भी आज दिल्ली में काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो यहाँ ठंडा बिल्कुल नहीं लग रहा, गर्म लग रहा है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अंदर चलते हैं, यहाँ पे आप बगल में गार्डन में बैठ भी सकते हैं, देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई एंट्री चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं इस जगह को। यहाँ पर एक गार्डन है, हम लोग पहले वो ऊपर जाकर देख लेते हैं, और शायद राजघाट जाने का रास्ता नीचे है, वहाँ पर जूता जमा करना पड़ता है, क्योंकि खाली पैर वहाँ जाया जाता है। तो ये देखिए गाइस, ये राजघाट की तस्वीर ऊपर से, वो देखिए, अभी हम लोग चलेंगे वहाँ, सामने भी जाएंगे नीचे से। अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट राजघाट के पास, तो गांधी जी कौन थे, जान गई गांधी जी कौन थे, पत्थर है ये, शीशा है, वहाँ पर हम लोगों को जूता जमा करना पड़ेगा, बाकी शीशा हो या दिल हो तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जूता जमा करेंगे और फिर अंदर जाएंगे देखने। बताइए आपको कुछ बोलना है, मजा आ रहा है, धूप बहुत हो गया इसके चलते, अब जैकेट भी मुझे लगता है खोलना पड़ेगा, और ये फॉरेनर्स लोग आए हुए हैं काफ़ी, तो चलिए वहाँ पर जूता खोल के जमा देते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं वहाँ, जूता उतार के फ्री सर्विस है, आप खुद से अपने हाथों से जूता उतारिए और वहाँ रख दीजिए, और यहाँ गांधी जी के काफ़ी विचार लिखे हुए हैं दीवारों पर, और अब देखिए हम राजघाट के पास पहुँच रहे हैं, और ये गार्डन को काफ़ी सुंदर सजाया गया है, और 26 जनवरी था इसके चलते भी ये काफ़ी सुंदर सजा हुआ था, काफ़ी फॉरेनर्स आए हुए हैं आज, तो चलिए हम लोग वहाँ सामने चलते हैं। ये दोनों चल रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग किताब में पढ़ा करते थे, आज सामने से देख रहे हैं। तो गाइज, मैं अगेन ब्लॉगिंग पे आ गया, ये देखिए हे राम, ये राजघाट है। सो गाइज, अभी हम लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया, और वहाँ पे एक स्मॉल इंटरव्यू भी हो रहा था, तो वो भी हमने दिया, अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे लाल किला घूमने। कहाँ जाएंगे जी आज, यहाँ से हम लोग लाल किला, लाल किला ही जाएंगे ना, गुपचुप खाएंगे तो चलिए गाइस, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये काफ़ी सुंदर लेकिन पानी का बनाया हुआ है, तो ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ से रैपअप करते हैं, और यहाँ से अब बस पकड़ेंगे वहाँ जाने के लिए, तो रास्ता में जो भी होगा आपको दिखाएंगे। अब हम लोग राजघाट से बाहर निकल